बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल में कहते हैं खुश आमदीद। यहाँ पे आपको एक अहम इन्फॉर्मेशन से आगाह करने के लिए हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई है। नाज़रीन, ये वीडियो अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो काफ़ी गंभीर हो चुके हैं और तालिबान ने अक्सर इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि तालिबान ने इस वक्त काबुल का मुहासरा कर लिया है, जिस पर हमले की वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल को देखते हुए अफ़गान सदर अशरफ गनी ने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है, जिसके लिए उन्होंने तालिबान को सदारती हाउस में मदऊ किया है, जिसमें मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात में एक शर्त शामिल की गई है कि अगर तालिबान काबुल पर हमला ना करें तो उनको इक्तदार में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए तमाम बड़ों की, अफ़गानिस्तान के बड़ों की बैठक जारी है सदारती हाउस में। इसी तरह अमेरिका ने भी तालिबान को ख़बरदार किया है कि काबुल में मौजूद उनके सिफारतकारों और अमले में से किसी को नुकसान ना पहुँचाया जाए, वरना उसके लिए भारी कीमत तालिबान को अदा करना पड़ सकती है।